दोस्तों आज की वीडियो सभी के लिए है जी। हाँ दोस्तों, चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे जवान हो, क्योंकि ये जो समस्या है ना सभी को हो रही है वो है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। जी हाँ दोस्तों, कब्ज आदमी इतना परेशान है कब्ज को लेकर, जिसके लिए वो बड़ी सी बड़ी महंगी सी महंगी टैबलेट ले आता है, चूर्ण खा लेता है, लेकिन कब्ज ठीक नहीं होती, पेट साफ नहीं होता। एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, चार बार जाएंगे, दस बार जाएंगे, लेकिन पेट क्लियर नहीं होता। दोस्तों कहते हैं ना कि पेट सफा हर रोग दफा। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का एक बारी में पेट साफ होता है ना, वो सारे दिन एनर्जेटिक रहता है, मतलब उसके शरीर में एनर्जी वास करती है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा खान पान है ना आजकल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। हमें क्या है ना, आदत पड़ गई है बाहर के जंक फूड की, समोसा खाना है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, और वो आजकल वाइट वाइट से है ना मोमोज, वो खाने हैं। वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों, मोमोज। आप यकीन मानो चाहे मत मानो, मोमोज अगर खाते हो ना तो छोड़ दो, नहीं तो जीवन छोड़ना पड़ेगा। इतनी खतरनाक चीज़ है मोमोज। और ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, जो फालतू की चीज़ें हैं ना, इसको भी छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि जीवन है ना बड़ा अनमोल है। अगर आप इस जीवन को नहीं समझे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यदि शरीर के अंदर बीमारी लग गई ना, फिर चक्कर काटते रहेंगे, हॉस्पिटलों के काटते रहेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाइयों और बहनों, अपना ध्यान रखो, शरीर के अंदर बीमारी नहीं आनी चाहिए। लड़ जाएंगे लेकिन बीमारी नहीं आने देंगे। तो यार, अपने शरीर को सही रखने के लिए थोड़ा अपना खान पान चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखो। अब ये बात हो रही थी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की, कि कॉन्स्टिपेशन सबको क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों लाइफस्टाइल तो है ही कारण, दूसरा हमारी नींद। दोस्तों क्या है ना कि हमारे शरीर के अंदर हर ऑर्गन्स को एक टाइम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हर ऑर्गन्स के लिए एक टाइम निर्धारित है, जैसे हमारी जीवन शैली के ऊपर है कि हम ऑफिस जाएंगे तो 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, स्कूल जाएंगे तो इतने टाइम के लिए जाना है, फिल्म देखना तो इतने दिन इतनी देर के लिए देखनी, मतलब हर चीज़ का एक समय है। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो सिस्टम है ना, हर ऑर्गन्स का भी एक समय दे रखा है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या आती है, ये जब होती है दोस्तों, जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कमज़ोर पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आंत जब हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें मल चिपका होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है। और बड़ी आंत का जो समय होता है वो होता है सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 5 बजे से 7 बजे के बीच में। कई व्यक्ति होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और जाते हैं तो सारे दिन एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम क्या है ना, सोते लेट हैं भाई, 3-3, 4-4 बजे तक तो हमारी वेब सीरीज चलती है, फिर सोएंगे कब, और जब सोते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। इसलिए अपने शेड्यूल बदलिए, समय पे सोइए, समय पे उठिए, अच्छा भोजन कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। खैर, बात करेंगे आज मैग्नेट थेरेपी की और एक्यूप्रेशर की, कि कौन सा पॉइंट है जिसको दबाकर ये कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या आ चुकी है ना ठीक हो जाएगी। पेट साफ नहीं होता, पेट साफ होने लग जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन कमज़ोर पड़ गई है, ठीक हो जाएगी। वहाँ पर मल चिपका हुआ है जिसके कारण पेट साफ नहीं हो रहा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों वो पॉइंट देखिए, हमारे फिंगर में पड़ेगा, नखून, नखून के जस्ट बेस में। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों L1, लार्ज इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट है। आपको डेली इस तरीके से दबाना, 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, 2 सेट कीजिए, 3 सेट कीजिए, 4 सेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये जो कॉन्स्टिपेशन हो चुका है ना, पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो गई है, ठीक कर देगी। इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। आप कहते हैं जी मेरे पास तो ये अवेलेबल नहीं है, अंगूठा है ना, अंगूठे से कर लीजिए, नहीं तो कोई पेन की मदद से आप इस तरीके से इसको प्रेशर दे दीजिए, मतलब इस पॉइंट को एक्टिवेट करना हमें कैसे भी, इधर भी और इधर भी, फिर देखना ये जो मल चिपक गया है ना बड़ी आँत में, क्लियर होने लग जाएगा। अब बड़ी आँत की जो क्षमता है ना कमज़ोर हो गई, ठीक हो जाएगी। अब बात करें दोस्तों मैग्नेट थेरेपी की। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेट थेरेपी में ऐसी कौन सी मैग्नेट है
जिसको लगाकर इसको जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए ब्यूल मैग्नेट, एक तरह से येलो और एक तरह से दोस्तों ये होती व्हाइट, और लेंगे पेपर टेप। अब बात करेंगे मैग्नेट कौन सा हिस्सा स्किन को टच करेगा, कौन सा हिस्सा बाहर से दिखेगा। दोस्तों स्किन पे जो टच करेगा इसका येलो वाला कलर, बाहर से हमें ये वाइट दिखेगा। तो ये जो LI1 इसके ऊपर आप सिंपल लगा दीजिए, इधर भी और दूसरी फिंगर में भी, डेली लगा लीजिए रात को सोते टाइम। लेकिन सोना टाइम पे, ये नहीं कि आप 3-3, 4-4 बजे तक सो रहे, 10 बजे, 10:30, 11 बजे, लास्ट 11 बजे तक आप सो जाइए, फिर देखना सुबह कैसे नहीं आपका पेट साफ होता है। मैग्नेट मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नई वीडियो पे, किसी एक नए टॉपिक पे। नमस्कार।